गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट उठ चुके हैं, रात नींद भी काफी अच्छी है। ऐसा भी नहीं है कि बाहर से कोई आवाजें आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ हमें। बहुत अच्छी नींद आई एंड बड़ा रिलैक्स होके अभी जस्ट उठे हैं। जस्ट एक गाड़ी गई है पास से, तो आवाज मतलब मेरी आंख खुली, क्योंकि सांभर है, सुबह सुबह लोग ऑफ रोड करने आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। एक बात तो नीचे जब टेंट लगता है ना, तो थोड़ा अलग फील आता है। गाड़ी के ऊपर टेंट होता है, डर ही नहीं लगता यार। इतनी हाइट पे टेंट होता है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ, मुझे खुद देखना है। तो गाइस बाहर का नजारा आपको दिखाते हैं। लुक एट दिस, ये देखो सनराइज हो चुका है। गाड़ी फुल गीली हो रखी है, बहुत ठंड बहुत ज्यादा है यार। इसको अंडर एस्टिमेट मत कर, हाथ सुनने पड़ रहे हैं। एवरीबॉडी देखिए कितना शानदार सेटअप लग रहा है, हर तरफ व्हाइट 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 और फोगी फोगी हो रहा है, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, क्या बात है। अभी देखो मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत बढ़िया। और अभी टेंट को पैक करेंगे। आप लोगों का एक ही सवाल रहता है, हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपको बताएंगे। ये लोगों का मैसेज आता है कि भाई आप फ्रेश कहाँ होते हो। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास एक एक्स्ट्रा टेंट मैं कैरी करता हूँ। यहाँ के जस्ट पास में ही मंदिर है, वहाँ पब्लिक टॉयलेट बने हुए, मतलब साफ सुथरे हैं बिल्कुल, क्योंकि थोड़े से लोग रहते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं है। यहाँ तो बहुत कम लोग रहते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ फ्रेश एंड अप होंगे। अभी गाड़ी को थोड़ा पैक करते हैं। बड़ी अभी देखिए हम बना रहे हैं चाय। देखो टेंट वेंट हमने पैक कर दिया, बढ़िया से पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा प्लान है कि फिर हम ऑफ रोड करेंगे। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, शानदार तरीके का ये जो सांभर लेक है, इस लेक में भैया आग लगा देंगे। आज हम ऑफ रोड करेंगे तगड़े वाला। लेकिन अभी हम कर रहे हैं कुकिंग, तो सबसे पहले करते हैं कुकिंग। कुकिंग में क्या कर रहे हैं, जस्ट चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के बाद देखेंगे कि साथ में खाना क्या है। प्रॉपर दूध की चाय बनाएंगे। आजा ब्रो, क्लोज आजा। हरियाणा पंजाब राजस्थान में यही चलता है कि भाई कहता है दूध की चाय पीने का मजा ही अलग है। लोग डालते हैं ना पानी वानी डाल के, ना बनाओ दूध से डायरेक्ट बनाते हैं ना, उसका मजा अलग है। कहना दूध चपत्ती पा के ले आ, तो ये दूध चपत्ती पा रहे हैं हम सुबह सुबह। अगर आपको तगड़ा ऑफ रोड करना है तो एनर्जी भी तगड़ी चाहिए, तो तगड़ी एनर्जी लेने के लिए जबरदस्ती चाय पियेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अपना दाढ़ी मूछे सेट कर रहा है कब से, दिल से एक्सपीरियंस बता के सारा। एवरीबॉडी अपनी चाय रेडी है, देख सकते हैं आप भाई। रियल रियल रिव्यू दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कप बढ़िया है। चाय कैसी बनी? एक नंबर बनी है भाई शानदार है, उम्मीद नहीं थी भाई तेरे से नहीं भाई कुक तो हम बन गए, मजाक की बात नहीं है, सच में बाहर रह रहे कि कुकिंग हमें ठीक आती है। तो देखिए चाय के साथ ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं, बनाने का टाइम नहीं था। एवरीबॉडी लुक एट दिस, अपना सेक्सी मॉन्स्टर रेडी है, सारा सामान हमने पैक कर दिया है। इतना शानदार व्यू के साथ में अभी हम करेंगे ऑफ रोडिंग। अभी तो एक ही बात बोलनी है, ये जगह कैंडा यहाँ तो सेकंडों में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब माउंटेन्स पे थे ना तब स्टार्ट होने में बड़ी दिक्कत आती थी, अभी तो हो गई स्टार्ट। तो एवरीबॉडी रेडी फॉर एडवेंचर, करते हैं स्टार्ट। ये भाई ऐसी जगह आके दिल खुश हो गया। अभी हमारी आज की नई डेस्टिनेशन अभी हम चूज करेंगे और वहां जाने की तैयारी करेंगे। एंड ये बताना कि ये कैब अपने पे कैसे लग रही है, होपफुली बढ़िया बढ़िया चीजें आएगी और भी तगड़े आएंगे, सम डिजर्ट के एक्सट्रीम एडवेंचर आएंगे। मतलब अभी हम है एक्सट्रीम एडवेंचर ट्रिप पे, और वो भी कैंपिंग ट्रिप। मजा आ गया, मजा भाई, पीछे डस्ट शानदार उड़ रही है। Thank you.
ये अपनी गाड़ी और ये अपना लोंडा और ये देखो नीचे, आपने कभी येलो वोटर देखा है? इतना क्लियर येलो वोटर, ये देखो ये है येलो वोटर, ठीक है। और ये देखो, और ये आप देख सकते हैं बर्ड्स है इसमें, ये बाहर के भी बर्ड्स बहुत आते हैं सांभर में। ये देखिए ये सारा सांभर की मिट्टी है। एवरीबॉडी अभी जस्ट हमने अजमेर क्रॉस किया और अजमेर क्रॉस करके अभी आगे चल के ब्यावर आ जाएगा और हम अभी तलाश कर रहे हैं कि कोई कार वॉशिंग वाला आ जाए, हमने गाड़ी को वॉश करवाना है, उसके बाद में हमें गाड़ी पे स्टिकर लगवाने हैं यूट्यूब के बड़े बड़े, ये हमने प्लान बनाया है बिकॉज यार लोग आके पूछते हैं राइट। बाइक का आइडिया क्या था, टेंट टेंट बना हुआ है उसके ऊपर बनवा दे। ये देखो गाड़ी वॉश करने के लिए स्पेशल लड़का रखा है हमने, तो ब्यावर जस्ट क्रॉस किया है कि जोधपुर के आसपास का स्टे सोच रहे हैं हम, और यहीं से कहीं से कुछ खाना पीना करेंगे हल्का फुल्का, गाड़ी वॉश हो जाए एक बार तरीके से तो मजा आ जाएगा, बस वो थोड़ा जरूरी है क्योंकि पूरे सांभर का नमक वाला मिट्टी लगा हुआ है इस पे, तो नमक से क्या कल को वो जंग वंग लग जाती है तो उस वजह से। तो आज ऑलमोस्ट 4 बज गए और 4 बजे हम कर रहे हैं हमारा आज का लंच कह लो, ब्रेकफास्ट कह लो, इवनिंग स्नैक्स कह लो, कुछ भी कह लो। और ये अपना भाई, यहाँ बाथरूम मिल गया, मैं तो नहा के बैठा हूँ, ये अभी नहाएगा। एवरीबॉडी देखिए नहाना धोना हो गया है, बढ़िया से नहा के सोने मुंडे बन गए हैं, भाई को ड्रायर में कम से कम 10 मिनट लगती है, बड़े बाल, बड़ी जुल्फे, बड़ी दाढ़ी, छोरे का स्टाइल है। ये देखिए साइकिल राइडर है जो दिल्ली टू कन्याकुमारी कर रहा है, भाई गजब। वैसे कश्मीर टू कन्याकुमारी बहुत लोग करते हैं लेकिन यार साइकिल के हिसाब से बहुत सही है। यूपी से आया बंदा, हाँ यूपी से, क्या इज फ्रॉम यूपी 19, भाई गजब। एवरीबॉडी देखिए सनसेट हो रहा है, क्या खूबसूरत नजारा है, क्या सही खूबसूरत नजारा है, और वो भी पहाड़ों के बीचों बीच, यहाँ छोटे छोटे से माउंटेन रेंज है और अभी हमें जोधपुर के आसपास, जोधपुर से तो दूर है अभी भी, एंड ये देखो पहाड़ों के पीछे छुप भी गया, बहुत छोटे छोटे से पहाड़ है, ये पठार टाइप है यहाँ पे। कोई बंदा कितना गलत रास्ता ले सकता है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, हमने लिया 40 किलोमीटर गलत रास्ता और हम आ गए हैं उदयपुर रोड पे, और यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर उदयपुर है, और अब हम जाए तो वापस हमें ब्यावर जाना पड़ता है, या यहाँ एक शॉर्टकट रास्ता जो पहाड़ों से जंगल से होते हुए रास्ता जाता है तो थोड़ा सा खतरनाक है बता रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं यार खतरनाक रास्ता ले ही लेते हैं, हमसे खतरनाक तो क्या ही होगा, हमने कितने कितने खतरनाक रास्ते किए हैं, तो हम वो ही एक्सपीरियंस करने की सोच रहे हैं। 2 वोट हो गई, एक तो भाई ने दे दिया और एक हमें भाई मिले, ये ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू कन्याकुमारी। आज कौन से वहां दिन है अपना? छठा दिन है। अरे यार सही खींच लिया, 700+ किलोमीटर 6 दिन में, हल्का सा आगे आ जाओ भाई, आगे आ गया हल्का सा। हाँ एंड भाई साइकिल राइड कर रहे हैं, आपको साइकिल दिखाते हैं भाई की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, ये देखो पूरा सेटअप साथ ही लेके घूम रहे हैं, हमें बहुत सारे साइकिल राइडर मिलते हैं, ये इसमें ये अपना टेंट साथ कैरी किया है, सोने का सारा अरेंजमेंट्स है, इन्होंने बोल दिया यार कोई बड़ा सा नाम लगाओ, 100 डेज यात्रा कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे ट्रक भी पलटा पड़ा है। तो एवरीबॉडी ये आप रास्ता देख रहे हो ना, ये जंगल से होते हुए जा रहा है, आगे फॉरेस्ट की चेक पोस्ट आएगी थोड़ी सी देर में, ये कोई अलग ही रास्ता बन गया है, इस रास्ते से होते हुए हम आगे जोधपुर की तरफ जा रहे हैं, और ये पूरा वाइल्ड लाइफ वाला इलाका है। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, कितना डरावना सा रास्ता है यार, कितना डरावना सा रास्ता है, और मतलब रोड देखो कितना पतला है यार, कितना पतला है, यहाँ तो कोई टूरिस्ट आता ही नहीं होगा कभी, मुझे लग रहा है। भाई साहब कौन सी जगह है ये, अरे ये कौन से जानवर है, गाय है भाई गाय, अबे इतना मत डरो जंगल ही तो है, गाय भैंसे है, भैंसे भैंसे है भाई, ये वो नॉर्मल वाले भैंसे नहीं है, ये जंगली भैंसे है, ये देखो इनकी आंखें कैसी है। अरे यार यहाँ अगर कोई जानवर आ जाए भाई दौलत क्या बने हमारा, यहाँ कैंपिंग का सोच भी नहीं सकते हैं, चल तो आगे कच्चा चबा जाएंगे भाई, कुछ नहीं दिखेगा भाई साहब, कितना डेंजरस रास्ता है ये। तो ये रावला टोडागढ़ या जो भी इसका नाम है, इस अभ्यारण के अंदर हम आ गए हैं। सो एवरीबॉडी एक लोकल से बात की और उन्होंने बताया कि इस जगह का नाम है टाटगढ़, ये टाटगढ़ अभ्यारण है, और रोड बिल्कुल टूटी हुई है, देख सकते हैं आप बिल्कुल टूटी हुई रोड है, क्योंकि यार अभ्यारण का रास्ता कौन बनाए यार इसको, सरकार कितना गौर करती नहीं है यार ऐसे, वैसे तो वन्य जीव अभ्यारण है, बाकी टूरिस्ट कम आते हैं तो इतना वो नहीं है यहाँ पे। गाइस देखो रोड और पतली हो रही है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, रोड बहुत पतली हो गई है यार, सोचने वाली बात है कि हमें इस रास्ते में अभी तक कोई दूसरा व्हीकल मिला ही नहीं है यार, खतरनाक है यार ऐसे रस्तों पे ना, मतलब जानवर वानवर आ जाते हैं। राजस्थान तो वैसे भी लेपर्ड के लिए फेमस है भाई, यहाँ लेपर्ड बहुत बहुत है भाई, बहुत लेपर्ड है इन इलाकों में, और रोड देखो कितनी पतली है, और ये तो वैसे भी अभ्यारण है तो सेंचुरी है, तो वैसे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लेपर्ड का खतरा तो रहता ही होगा। ये कोई बोर्ड लगा हुआ है भाई, किधर जाना है, लेफ्ट भाई साहब, अबे तू गलत बोल रहा है, ये रास्ता तो है ही नहीं, सही है। तो गाइस ये देखिए ये ऐसा कुछ रास्ता बन गया भाई, मैप पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहा है,
बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। पहले मैंने सोचा था उतर के वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है यार उतर के वीडियो बनाने की। अगर हम यहाँ पे कैंपिंग कर रहे तो भाई करेगा कैंपिंग? कर लेंगे, कर लेंगे। अबे रहने दे, तेरा कॉन्फिडेंस थोड़ी देर में हिल जाएगा, रात को मुझे संभालना पड़ेगा तुझे। भाई रोड बहुत ज्यादा डेंजरस है भाई, ये देखो आप एक बार देखो, इसमें लिखा हुआ है कुछ बिना अनुमति प्रवेश। रावलीय अभयारण्य क्षेत्र में आपका स्वागत है, बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है, वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान करें, हॉर्न बजाना मना है। भाई कौन सी रोड है, राइट या लेफ्ट? हाँ यही सही है, यही है ना। यार एवरीबॉडी देखो कैसे कैसे रस्तों से होते हुए हम जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। लेकिन यार हमारे पास गाड़ी थार है तो कॉन्फिडेंस है, यही अगर हम बाइक से होते तो यार मैं शायद हम दोनों नहीं आते यार। यहाँ पे भाई नेटवर्क आ रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ का इस नेटवर्क भी हट गया है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, एक अंदाजे से चल रहे हैं हम। भाई अगर मैप ने गलत ले गया ना तो भाई हम गंदे वाले फंसने वाले हैं आज, सीरियसली बहुत गंदे फंसने वाले हैं। भाई रोड आप देखो एक बार कितनी डेंजरस है, मतलब रोड पे कुछ है ही नहीं, कच्चे रस्ते आ गए हैं बिल्कुल, और ऐसे रस्तों से यार बंदा फंस भी सकता है। दो लड़के लड़के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं सोलो होता ना तो कोर्स कर तो लेता ट्रैवल, बस वही है कि गाने चलाने पड़ते, जब नेटवर्क नहीं होता तो गाने चला लेता हूं मैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है उससे, काफी हद तक हो जाता है। और रस्ते देखो कैसे, यहाँ मुझे तो नहीं लगता कोई दूसरी गाड़ी निकली हुई है यार, देखो टायरों के निशान भी नहीं पड़े हैं गाड़ी के, कोई सी भी गाड़ी के, पता नहीं हम गलत रस्ते पे आ गए हैं या पता नहीं क्या हो रहा है। तो सामने से गाड़ी दिखी और रस्ते देखो कितने खतरनाक है भाई, कितने ज्यादा खतरनाक है। एक गाड़ी दिखी, अब मन तो कर रहा है एक की रोके इनसे कुछ पूछे, दूसरा मन कर रहा है भैया इतना खतरनाक जंगल है, नेटवर्क नहीं है, लूटपाट ना हो जाए, ये दिमाग में थॉट आता ही आता है ऑफकोर्स। लेकिन इसके अंदर कोई बंदे है, मजदूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनसे पूछ सकते हैं। हाँ यार रस्ते में कौन कौन से जानवर रहते हैं सर? तेंदुआ रहता है और टाइगर भालू भी रहता है। अरे भाई डरा रहे हो यार आप, सच में रहते हैं? अच्छा आप लोग कहाँ से आए हो? लोकल हो आप लोग ना? चलो भैया ठीक है, हाँ ठीक है। भाई साहब यहाँ बहुत जानवर रहते हैं, ये ज्यादा हो गया, लेकिन इतना तो नहीं, लेकिन तेंदुआ तो ऑफकोर्स रहता है भाई, होता होगा तेंदुआ, लेकिन भालू नहीं, भालू नहीं मिल सकता। भालू यार वैसे यार इधर होने को हो भी सकता है, नहीं नहीं हर जगह नहीं मिल सकता, कभी पढ़ा भी नहीं इसके बारे में। भालू तो देखो भालू है ना, भालू मोस्ट ऑफ द टाइम भालू रहता है जहाँ ठंडा इलाका होता है वहाँ पे, लद्दाख जाओ बहुत भालू है, कश्मीर जाओ बहुत भालू है, मनाली जाओ भालू मिलेंगे, सब जगह भालू की एक्टिविटी मिलती है, लेकिन वो ठंडे इलाके में मोस्ट ऑफ द टाइम मिलते हैं। एंड अभी हम राजस्थान में, तो राजस्थान में तेंदुआ पक्का मिलता है भाई, तेंदुए बहुत है राजस्थान में, और ऐसे जंगल में तो पता नहीं कितने ही होंगे, कितने ही काउंटिंग ही नहीं है भाई, बस गाड़ी के लाइट देख के कोई आता नहीं है, लाइट ना होना तो भैया बहुत हद तक चांसेस रहते हैं ऐसे जानवर के। एवरीबॉडी अभी जस्ट वो देखिए, वो वहां से एक जानवर गुजरा था, वहां से आई थिंक यार तेंदुआ था, वो आंखें चमक रही थी भाई। एक चीज और हमें, मुझे लग रहा है इस तरफ खाई है यार, ऐसा क्यों लग रहा है, हम पहाड़ के ऊपर है और इस तरफ खाई है, एग्जैक्टली ऐसा ही, क्योंकि कई देर से हम चढ़ाई कर रहे हैं। दोनों में से अब रास्ता कौन सा भाई? राइट है, एक तो ये रास्ता बन गया और एक ये रास्ता, इसमें मैप में एक ही सिंगल रास्ता दिख रहा है, ये वाला ही है, ये वाला ही भाई साहब, ये तो ये या वो, दो रास्ते आगे गए, जब समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता है, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो हमें एक लोकल मिले थे पहले, वो हमें यहाँ दोबारा मिल गया और उन्होंने हमें टर्न करवाया गाड़ी, हम गलत रास्ते चले गए थे, और अभी इस कच्चे रास्ते से होते हुए हमारा आगे जोधपुर के लिए रास्ता आएगा। किस्मत का खेल सब किस्मत है, भगवान ने एडवेंचर लिखे हैं हमारी किस्मत में और एडवेंचर होके रहेंगे। एक गाड़ी वाले आए हमारे से जस्ट ओवरटेक करके, भाई उसका ड्राइवर की मूंछ है और उसकी एक आंख नहीं थी, वो ऐसा लग रहा है पुरानी मूवीज का डाकू हो भाई, नहीं देख रहा देख के भी हमें उसकी आंखें बिल्कुल लाल आंखें भाई, पता नहीं क्या ही था कमाल, वो कुदरत का बड़ा खूबसूरत चेहरा था भाई, विलन वाला, ऐसे विलन तो बॉलीवुड में मौजूद ही नहीं है, ना कभी हो सकते भाई, उसके मूछे के ताव और उसकी आंखें, यार काश मैं शूट कर पाता वो चीज आपको दिखाता, एक दूसरे से नहीं मिल रही थी लेकिन मूछे बहुत अच्छी लगी, मूछे बड़ी तगड़ी थी। तो ये हमें लोकल मिले, इन्होंने बताया कि यहाँ बकरियों के पीछे पीछे जानवर आ जाते हैं, चीता वीता भी, और ये हिम्मत बहुत रखते हैं, इसलिए आदमी कुछ नहीं कहता, वैसे चीता आ जाता है यहाँ तक। सो एवरीबॉडी मैं हूँ आपका अपना दीप, अभी हमने एक इस विलेज में यहाँ वैसे जानवर भी आ जाते हैं, लेपर्ड आ जाता है, चीता आ जाता है, कह तो रहे हैं,
एंड कहते हैं इनके बकरियों को भी खा जाते हैं, गायों को खा जाते हैं। ये कहते हैं आप लोग रह तो लो लेकिन रिस्की है आप लोगों के लिए, तो आप यहाँ पे रहोगे तो कहते हैं यहाँ कभी कोई टूरिस्ट आता नहीं है, ना कोई होटल है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को खतरा है। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ ये हमने जगह फाइनल की थी, यहाँ पे हैंडपम्प भी है। हमने सोचा यहाँ कैंप हो जाएगा, यहाँ पानी की भी अरेंजमेंट है, बढ़िया हो जाएगा, हम यहीं खाना पीना कर लेंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि यहाँ मत रुको, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, सेफ सा नहीं है। और गांव के लोग भैया छतों से, वो देखो ऊपर वहाँ पे भी हमें देख रहे हैं, इधर खड़े हैं वो भी हमें देख रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर हमने टेंट वेंट खोल लिया तो आधे से ज़्यादा गांव तो यहाँ होगा, इसलिए हम सोच रहे हैं हम आगे निकलते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और ये एक महानुभाव देखो छत पे बैठे हैं, इनसे कुछ पूछते हैं रास्ता। अच्छा नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क के चक्कर में यहाँ बैठना पड़ता है। एक लोकल फैमिली मिली है, इन्होंने हमें ये जगह दी है, ये कोई जगह है और हम यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं आज। इधर पूरा जंगली इलाका है, शायद आगे तो वाइल्ड लाइफ वाला इलाका था जिधर से हम होते हुए आए हैं, और सुबह आपको बेटर से दिखाएंगे। अभी यहाँ पे टेंट वेंट ओपन करेंगे और आज का स्टे हमारा इधर। ये देखिए जी हमारी बन रही है मैगी, वेज मैगी, और आज हमारा स्टे है टाटगढ़ अभ्यारण करके जगह है ये, और ये देख सकते हो हमारी गाड़ी, यहाँ पे एक जंगली जानवर भी रहते हैं इधर, और हम हैं अभी टाटगढ़ अभ्यारण के आसपास। और ये एक लोकल मिले हैं हमें अंकल जी, इनके सपोर्ट से हम यहाँ रहे हैं। वैसे तो क्या गाँव में यार रुकने के लिए यहाँ लोगों को अपनी भाषा भी कम आती है, पीछे भी हमने पूछा था, लेकिन ये बड़े जानो जानी है, इनको बड़ा नॉलेज है इधर का। इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ गाड़ी लगाओ, यहाँ आराम से रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पे हमारा आज का खाना बन रहा है, हमारे आज का डिनर, हमारी मैगी यहीं बैठ के खाते हैं, ये हमारी गाड़ी, ये पूरा जंगल, और ये हमारा लौंडा।